जो है ना गौशाला, तो मैं गौशाला में यहाँ चारा डालने के लिए अक्सर ही आया करता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इसका भी आपको व्यू दिखाता हूँ और ब्लॉग बनाता हूँ कि गौ के शरीर में सभी देवी देवताओं का क्या वास है। तो चलो मैं आप लोगों को आज ना वो गौशाला दिखाता हूँ। आप मेरे पीछे देखिए, ये गौशाला है और ये इस साइड पे जो है ना, ये गूंगा भी गुड़ खाए के कहीं स्वाद दे बोल, गो सेवा कैसे कहूँ कितनी है अनमोल। क्या आप सिंबल चौक के पास ना कैनेडा पैलेस आता, कैनेडा पैलेस के पास पड़ता है एक पठानकोट पॉलिटेक्निक कॉलेज, पठानकोट पॉलिटेक्निक कॉलेज के बिल्कुल ही साथ में ये गौशाला पड़ती है। टी वगैरह ना वो भी प्रॉपर की जाती है। तो ये देखिए, ये भैया जो ना अभी सफाई कर रहे हैं वो सामने। हेलो गाइज, क्या हाल है, उम्मीद करते हैं कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है विक्की भारद्वाज। दोस्तों आज आया हूँ मैं गौशाला में। गौशाला में आया किस लिए हूँ, यहाँ पर गऊओं को चारा डालने के लिए। ये जो मेरे पीछे है ना, ये गौशाला के पीछे मेरा ऑफिस है, तो ऑफिस के पास ही बिल्कुल जो है ना गौशाला। तो मैं गौशाला में यहाँ चारा डालने के लिए अक्सर ही आया करता हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो इसका भी आपको व्यू दिखाता हूँ और ब्लॉग बनाता हूँ। ऐसा माना जाता है कि गौ की अगर सेवा की तो आपने सबकी सेवा कर दी, सब देवी देवते क्या गौ में वो क्या समाये हुए हैं। कहा जाता है कि गौ के शरीर में सभी देवी देवताओं का क्या वास है। तो चलो मैं आप लोगों को आज ना वो गौशाला दिखाता हूँ। आप मेरे पीछे देखिए, ये गौशाला है और ये इस साइड पे जो है ना, ये इस साइड पे इन लोगों के जो यहाँ सेवा करते हैं ना, उनके रहने के लिए जगह बना रखी है। ये अंदर उनके वो सारे के सारे बेड वगैरह लगे हुए हैं, ये देखो, ये अंदर रहने के लिए क्या बेड वगैरह लगे हुए हैं। इलेक्ट्रिसिटी का काम जो है वो प्रॉपर चलता रहे, इसके लिए उन्होंने ऊपर ये सोलर पैनल लगा रखा है ये ऊपर। और ये गौशाला पड़ती कहाँ, मैं आपको मेन जो है लोकेशन बता दूँ। ये गौशाला पड़ती है आप डलोजी रोड के, आप सिंबल चौक के पास ना कैनेडा पैलेस आता है, कैनेडा पैलेस के पास पड़ता है एक पठानकोट पॉलिटेक्निक कॉलेज, पठानकोट पॉलिटेक्निक कॉलेज के बिल्कुल ही साथ में ये गौशाला पड़ती है। ठीक है, अगर कोई आना चाहे, अगर दान वगैरह डालना चाहे तो वो यहाँ आ सकता और दान वगैरह क्या डाल सकता अपना, और अगर कोई सेवा करना चाहता कर सकता वो भी। तो चलो मैं आप लोगों को ना आज पूरी की पूरी गौशाला दिखाता हूँ। ये सामने मेरी बाइक लगी हुई है इस साइड पे, ये यहाँ पर मैंने अपनी बाइक खड़ी कर दी है, ये यहाँ पर ये वाली, ये सामने जो है ना ये वाली, यहाँ पर क्या चारा रखा जाता जितना भी है, ये सारा यहाँ अंदर चारा रखा जाता। ये देखो, ये काफ़ी पूरा का पूरा भरा होता है जब सीज़न आता ना, जब सीज़न आता तो ये लोग क्या पूरा का पूरा भर लेते हैं, फिर थोड़ा थोड़ा निकाल निकाल के क्या उसमें से डालते रहते हैं। ये देखो, ये साइड पे चारा रखा हुआ सारा का सारा। ये चलो आपको आगे का व्यू दिखाता हूँ। यहाँ बड़ी एक अच्छी चीज़ देखिए कि अगर कोई बंदा दान देना चाहता ना, तो वो दान क्या आप किसी कर्मचारी जो आप कह सकते हैं यहाँ पर सेवा जो करते हैं ना, उनके हाथ में नहीं देना, किसी कर्मचारी के हाथ में नहीं देना, आप वहाँ दान पेटी जो है ना, दान पेटी में वहाँ डाल सकते हैं। यहाँ पर जो है ना श्री कृष्ण को गौ माता के साथ दिखाया हुआ है, मंदिर बना हुआ है वो सामने जो है ना वो वाला, वो वहाँ पर क्या श्री कृष्ण भगवान को दिखाया हुआ है गौ माता के साथ, मंदिर मतलब मंदिर में गौ माता के साथ श्री कृष्ण को दिखाया हुआ है। ये इस तरह देखिए, ये देखिए, ये सारी की सारी गायें ना सुबह अंदर होती हैं, ये सारी गायें सुबह अंदर होती है और उसको क्या थोड़ी देर बाद क्या फिर बाहर निकाल लेते हैं। ये गौ है देखिए सारी, अब ये एक एक करके बाहर निकाल रहे हैं ना, ये सारी यहाँ खुरलियों में बांध देगी, यहाँ खुरलियों में बांध दी जाएंगी, उसके बाद क्या किया जाएगा इनको यहाँ पर चारा डाला जाएगा। तो इसके साथ जो गौओं के नीचे से सफाई वगैरह ना वो भी प्रॉपर की जाती है। तो ये देखिए, ये भैया जो ना अभी सफाई कर रहे हैं वो सामने। ये गौओं को खोल के ना अब जो अंदर से बाहर ला रहे हैं, ताकि अब यहाँ पे क्या इनको बांध दिया जाइए यहाँ पे। ये लोग यहाँ पर अभी क्या करेंगे, इनको यहाँ पर मतलब चारा वगैरह खिलाएंगे, पानी पिलाने के लिए। ये देखिए इस साइड पे जो है ना, ये पानी की टूटियाँ लगा रखी हैं, ये यहाँ पर यहाँ से पानी। हाँ जी, अच्छा अच्छा हाँ, ये इस वो भैया बोल रहे हैं कि वहाँ पर पानी पिला रहे हैं, उसकी वीडियो बना लो। तो ये यहाँ पे ना पानी वगैरह पिलाने के लिए ना पूरा का पूरा इंतजाम जो है ना, पानी का पूरा मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी जो है ना गौ माता के, हिंदुओं में हमारे, हम लोग हिंदू हैं तो हिंदुओं में पता क्या बोला जाता है, एक बात बोली जाती है कि गौ जो है ना उसको किसी भी तरह से कोई नुकसान नहीं पहुँचाना। इवन यहाँ पर वो नहीं कि जो
फीमेल जिसको बछड़ी बोल देते हैं वो यहाँ बछड़े जो मेल हैं वो भी हैं, ऐसा नहीं कि फीमेल ही अकेले है। अभी ये एक शेड है वो देखो, मैंने आपको बोला ना कि यहाँ, मैंने आपको बोला ना कि अकेले मेल नहीं। ये देखो ये अंकल पानी पिला रहे हैं, ये अंकल पानी पिला रहे हैं। यहाँ छोटे बछड़े भी हैं, बड़े भी हैं, इनको अलग अलग रखा जाता है। ऐसा मैंने आपको पहले कहा ना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे फीमेल को ही सिर्फ रखा जाता है, कि शायद अगर दूध के लिए रखा गया हो, ऐसा कुछ नहीं। ये देखो ये मेल है, ये सारे मेल है, ये इधर से ये भी मेल है, ये वो उधर मेल है, ये सारे के सारे। ये देखो बड़े गुस्से में हो, ये सारे मेल हैं। तो जैसा नहीं है कि फीमेल को यहाँ रखा हुआ अपनी वो उसके लिए सिर्फ अपने फायदे के लिए, मतलब जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि गौ की सेवा करो, तो गौ मतलब किसी भी रूप में हो, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, उसकी सेवा की जाती है। और मैं इसमें एक बात कहना चाहता हूँ, अगर इंसान का बच्चा बेटा होना तो लोग खुश होते हैं, और बेटी हो तो थोड़ा मायूस हो जाते हैं, लेकिन जानवर में क्या उल्टा है। अगर फीमेल हो, जाने कहने का मतलब लड़की हो तो खुश, लड़के हो तो उदास, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसके पीछे ना ऊपर इन्होंने कोट लिखे हुए हैं, कुछ अलग अलग कोट लिखे हुए हैं, मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ क्या लिखा है। यहाँ लिखा गुंगा भी गुड़ खाए के कहीं स्वाद दे बोल, गौ सेवा कैसे कहूँ कितनी है अनमोल। कहने का मतलब ये है कि गौ जो सेवा ना वो बहुत ही ज़्यादा अनमोल है। आगे लिखा हुआ गाय के दूध दही घी गोबर व गौमूत्र से ही भगवान की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा होती है, अंत गाय पवित्र से भी पवित्र है। तो ऐसे काफ़ी कोट लिखे था जो लोग जो है ना इस तरफ जो है ऐसे अच्छे जो नोबल कॉज है ना नोबल कॉज की तरफ क्या आए। तो यहाँ इस साइड भी ये छोटे छोटे बछड़े और रखे हुए, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो ये छोटे छोटे बछड़े हैं, ये नए हैं, ये देखो। तो ये मेरा ऑफिस है ना, ऑफिस के आसपास ही क्या ये एक छोटी सी गौशाला थी, तो मैंने आपको गौशाला का विजिट कराया। अभी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, शेयर इसलिए करना ताकि लोग भी ऐसे अच्छे काम की तरफ आएँ। ठीक है, आज तक की वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद, बाय बाय।